सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम महेंद्र है और ये कुंडली आई है प्रतापगढ़ राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में गुरु और शिष्य के बीच के संबंधों को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा, गुरु पिता होता है, पिता के तुल्य होता है और शिष्य उसके पुत्र के तुल्य होता है। भगवान मनु ने बात लिखी कि जब कभी गुरु या कोई शिक्षक है, जब वो कोई भी पाठ पढ़ाने का आरंभ करेगा, तब उसे अपने शिष्य को ये कहना है, उठो पुत्र, अध्ययन आरंभ करो। आजकल की स्थिति क्या है कि जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, वो अपने पढ़ने वाले और पढ़ने वाली शिष्य और शिष्या पे ही कुदृष्टि डाल देते हैं। इससे उन्हें भयंकर नरक में जाना पड़ता है। दोष युक्त है ये। आपको ऐसी कई फिल्में मिल जाएंगी, ऐसे कई कंटेंट मिल जाएंगे जो इस तरीके के गतिविधियों में आपको भी ला रहे हैं और उसे वो प्रेम का एक बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि प्रेम और ये पता नहीं क्या बकवास करते हैं, वो चीज बताते हैं और ऐसा करते हैं, पर ये शास्त्र विरुद्ध है और ऐसा करने वाला और करने वाले दोनों ही दंड के भागी होते हैं। अब मनुष्य तो उन्हें दंड दे नहीं सकता, तो परमात्मा के छड़ी से उनकी पिटाई होती है। आइए विषय पे लेके आता हूं, बाकी चीजें विस्तार से तो नहीं बोल सकता उस विषय पे, पर इतनी बात है, गुरु और शिष्य के बीच का संबंध पिता और पुत्र के संबंध के जैसा होता है और हमें उसकी गरिमा को सदैव ही बना करके और बचा करके रखने की आवश्यकता है। इनकी कुंडली में इनका पंचांग, ग्रीष्म ऋतु में इनका जन्म हुआ है। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के धन बचेगा, नहीं तो घर पे रहेंगे तो दिक्कत होगी। वैसे ये कुंडली पिता और माता के सुख से बहुत अच्छी है और गुरुवार के जन्म होने से व्यक्ति का प्रभाव गुरुता से युक्त है, वो धार्मिक है। इन्होंने प्रश्न पूछा है, जो इनके प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इनके प्रश्न इन्होंने पूछा है, मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य बताएं। प्रत्येक व्यक्ति का, हो सकता है आजकल के लोगों का उद्देश्य बदल गया हो, पर प्रत्येक मानव मात्र का उद्देश्य यह होता है, भगवान की भक्ति, उनका श्रवण, उनके मंत्र और स्तोत्रों का श्रवण करना, निरंतर उनका चिंतन करना और निरंतर उनके ही ग्रंथों का अध्ययन करना। ये मोक्ष के मार्ग को खोलते हैं और वही व्यक्ति का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य होता है। लग्न में केतु बैठे हैं, केतु ये बता रहे हैं कि व्यक्ति को अपने व्यवहार को और भी ज्यादा धार्मिक और प्रबुद्ध और अनुभवी कैसे बनाया जाए, इस पर ध्यान देने की बात होगी। इनका दूसरा प्रश्न, मैं मानसिक अशांति मेरे मन में बहुत ज्यादा है और मैं 1 साल से ज्यादा हो गया स्ट्रेस की टैबलेट खा रहा हूं और इनकी अवस्था देखिए 1994 की है। 1994 का लड़का स्ट्रेस की दवाइयां खा रहा है। सबसे पहले मैथुन बंद करो, सीधी बात है, मैथुन बंद करो, गलत चीजों का देखना बंद करो, ग्रंथों का अध्ययन आरंभ करो, गीता जी का स्मरण करिए, गीता जी की शरणागति लीजिए, गाय की सेवा करिए, माता पिता की सेवा आज्ञा का पालन और गुरु दीक्षा से युक्त करिए खुद को, ब्रह्मचर्य व्रति बनिए, मांसाहार का भक्षण न करिए, जितना ज्यादा हो सके शीतल चीजों के संपर्क में रहिए, गर्म चीजें, खट्टी, बहुत ज्यादा तीखी और बहुत ज्यादा गर्म चीजें व्यक्ति को ब्रह्मचर्य से पथ भ्रष्ट करती है और आपके मन के अशांति के पीछे का कारण चंद्रमा नहीं है। आपकी कुंडली के चंद्रमा बड़े अच्छे हैं, वो उनका कारक क्षेत्र है, वो उनका दिग्बल क्षेत्र है, वो वहां पे बहुत मजबूत होते हैं, उस चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है, इस वजह से आपका मन विक्षिप्त, बेचैन और परेशान रहता है और लग्न को राहु और लग्न में ही सूर्य बुध, दरअसल आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं मिलता है, जिसके कारण आप बेचैन रहते हैं। आपकी कुंडली में पराक्रम भाव का अधिपति चतुर्थ भाव में बैठा है, सिंह राशि का निर्माण कर रहा है, इस वजह से भी सिंह राशि के लोग थोड़े विकल होते हैं, उस पे शनि जैसे एक ऐसे ग्रह की दृष्टि है जो शांति के सागर में हिलोरे देने का काम करने लगता है, इस वजह से भी आपकी कुंडली में आपका मन, क्योंकि ये निद्रा का भाव होता है, उस पे शनि की दृष्टि है और तृतीय सागर के बैठे हैं, तो त्रिक भाव और दुःख स्थान के अधिपति जब मानसिक शांति वाले भाव में बैठेंगे
मन को अशांत करेंगे ही करेंगे। अब आपको मैं आगे और बताता हूं, लग्न बहुत बलवान है क्योंकि लग्नेश सुख भाव में के अधिपति होकर, लग्न में जो सूर्य बैठे हैं वो सुखेश होते हैं, बुध बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए पंचमेश होते हैं, यानी कि व्यक्ति एजुकेशन के क्षेत्र में जाए, नौकरी के क्षेत्र में जाए, और वैसे भी आपकी कुंडली का चंद्रमा जो है वो बहुत बलवान होकर के बैठा है, सूर्य भी बलवान है, हालांकि मृत प्राय है डिग्री में, इस वजह से हमें उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सूर्य की उपासना इस कुंडली को बहुत बल देगी और व्यक्ति को अपने आप को व्यवहार कुशल बनाना, अपने धर्म को पहचानना, ये उसके जीवन का प्रमुख उद्देश्य है और इसी के लिए उस व्यक्ति का जन्म भी हुआ है क्योंकि लग्न में केतु बैठे हैं। लग्न में केतु बैठे हैं तो व्यक्ति चीजों को लेकर के भ्रम में रहता है। लग्न में ही शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव अगर हो जाता है या सप्तम भाव पे भी शनि मंगल राहु केतु का अगर प्रभाव हो जाता है तो व्यक्ति की दिनचर्या बाधित होती है। वक्त पे जागिए, समय पे सोइए और वक्त पे ही अपना काम, अपने आप को अनुशासनहीन मत बनाइए। इस कुंडली में शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा सरकारी क्षेत्रों से लाभ देंगे। गुरुवार को जन्मे हैं, अब झगड़ालू नहीं है और पसंद है मीठी चीजें, इस वजह से व्याघात योग में जन्मे हैं, मघा नक्षत्र है, इस कारण से आपका सारा काम आरंभ में बिगड़ेगा, बाद में चलकर के चीजें ठीक होती हैं। व्यक्ति अनुभवी तो वैसे भी होता है क्योंकि मघा नक्षत्र के अधिपति केतु लग्न में बैठे हैं, वो व्यक्ति को वैसे भी सांसारिक बनाने से ज्यादा आध्यात्मिक बनाते हैं और व्यक्ति अपने जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा की भक्ति ही चाहता है। वो किसी भी स्थिति में किसी भी दोयम दर्जे के व्यक्ति के साथ मैत्री नहीं करना चाहता, वो समाज के उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ उठना बैठना चाहता है और अपने से बड़े और अच्छे बुद्धि और विचारों के लोगों से प्रभावित भी होता है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति में क्रोध की स्थिति होगी। व्यक्ति प्रभावित करने वाला है, उसकी क्षमताएं बड़ी अद्भुत हैं और वो बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्षमता बहुत अद्भुत होती है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, भ्रम, त्याग और परित्याग की भावना से व्यक्ति समाहित होता है, 16 गुण संपन्न होता है। धन भाव में शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना जो इस कुंडली के लग्नेश होते हैं धनवान बनाएंगे। पराक्रम के अधिपति का चतुर्थ में आना, शनि से दृष्ट लग्न पे राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति को चपल, चंचल, चालाक और मति भ्रम की स्थिति में लेके जाएंगे। पंचम भाव की चतुर्थ भाव के अधिपति का लग्न में बैठना और जन्म कुंडली में लग्न में नवमांश कुंडली में चंद्रमा राहु और केतु का प्रभाव, शुक्र यहां वृश्चिक है, मंगल स्वग्रही, करियर तो ठीक रहेगा आगे भी क्योंकि स्वग्रही शनि सस योग बनाए हैं और उनके पास बिंसोपक बल के आधार पर भी अच्छा खासा बल देख रहा हूं। बल में कमजोरी गुरु को मिल रही है और सूर्य को मिल रही है, चंद्रमा के पास बहुत बल अच्छा है, इस वजह से व्यक्ति व्यापार भी चाहे तो निश्चित रूप से कर सकता है। मंगल बल में है, यहां मंगल जो बैठे हैं वो मैंने मंगल को यहां छोड़ दिया है लग रहा है, यहां मंगल बैठे हैं 12वें भाव में। अपने छोटे भाई बहनों से व्यक्ति का संबंध बड़ा अच्छा होता है और उसकी पत्नी का सुख उसे बहुत अच्छा मिलता है, उसकी पत्नी उसे एक अपने बच्चे की भांति उसे प्रेम करने वाली होती है और उसका धन उसके छोटे भाई के द्वारा अधिक बचाया जाता है। ये बात मैंने बहुत ही आजमा करके देखी है। अगर 12वें भाव के अधिपति आपकी कुंडली में स्वग्रही हैं, वहां बैठे हैं और जरा देखें तो 12वें भाव पे शनि की नीच दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति का व्यय अपने पास रहेगा पर वही धन अगर अपने भाई को दे दे, छोटे भाई को, तो निश्चित रूप से उसके धन की सद्गति हो जाती है। इन्होंने प्रश्न और पूछा है, मानसिक अशांति के लिए मैंने ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना कहा है, ग्रंथों का अध्ययन कहा है, गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन कहा है, ये करना चाहिए, बेल के वृक्ष की परिक्रमा 5 बार प्रत्येक दिन करिए, बेल के वृक्ष की परिक्रमा जो भगवान को बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है और जिस बेल में फल लगे हों, जिस बेल के वृक्ष में फल लगे हों वही भगवान को उसी का बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है, तो उसी बेल के वृक्ष की परिक्रमा आपको करनी चाहिए। चतुर्थ स्थान के चंद्रमा शनि से दृष्ट है और अगर हो सके तो शिव पुराण का अध्ययन किया करिए। आगे बताता हूं, आपकी कुंडली में चंद्रमा के पास बल है, मंगल भी ठीक है, बुध भी ठीक है, गुरु भी ठीक है, शुक्र भी ठीक है, शनि भी ठीक है, राहु और केतु की दशाएं आपको कष्ट दे रही हैं। यहां राहु वृश्चिक के बैठे हैं जिसके अधिपति 12वें, संतति का, संतान के साथ साथ पत्नी का और व्यय का सुख तथा बड़ा अच्छा मिलता है। इस कुंडली के आधार पर आपने अगला जो प्रश्न पूछा, मानसिक अशांति से पढ़ाई सही नहीं हो पाती है, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या नहीं। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं। द्वितीय भाव में शुक्र जो जन्म कुंडली के नौकरी भाव के अधिपति हैं, नौकरी से धन। पंचम भाव के अधिपति के लग्न में शिक्षकीय योग, एजुकेशन से जोड़ करके व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को देख रहा हूं। दशम स्थान की स्थिति बहुत बलवान, इस वजह से व्यक्ति को नौकरी में शनि का प्रभाव बनेगा। सूर्य लग्न में बैठे हैं, चतुर्थ स्थान पर सूर्य और शनि का प्रभाव है, इस वजह से भी व्यक्ति के घर में और मन थोड़ा सा कलह से युक्त रहता है, लेकिन सरकारी नौकरी के प्रबल योग है।
मेरे लिए सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया बताइए। आपको व्यापार में अगर हो सके तो कोचिंग क्लासेस कर सकते हैं, या इसके साथ साथ शनि और मंगल का संबंध 12वें है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बढ़िया बनेगा, ट्रांसपोर्ट का काम बढ़िया बनेगा, बिल्डिंग मटेरियल बहुत अच्छा रहेगा, खाने पीने से संबंधित कारोबार बहुत अच्छा रहेगा, इसके साथ साथ आप दूध दही से संबंधित कारोबार भी कर सकते हैं। धन योग कैसा है? बहुत बढ़िया है, धन भाव में शुक्र बैठे हैं और इस कुंडली के लिए वो तो लग्नेश भी होते हैं, तो कहीं बैठे कोई दिक्कत नहीं है। सुखेश लग्न में बैठ करके आपको सुखकारी योग बना रहे हैं, शनि शश योग बनाए हैं, लग्न में बुद्धादित्य योग बैठ करके आपकी कुंडली को बलवान बना रहा है। लग्न में बुध और चतुर्थ में चंद्रमा कर्म क्षेत्र में विकलता रहेगी, यहां पे सूर्य और गुरु बैठे हैं, व्यापार बहुत अच्छा है, पढ़ाने का काम नौकरी में बहुत अच्छा रहेगा, बैंकिंग भी बहुत अच्छी है सरकारी नौकरी में। मैरिज लाइफ के बारे में बताएं, बहुत अच्छा है। 12वें में मंगल स्वग्रही, शनि की दृष्टि नीच की है, इस वजह से पत्नी कई बार स्वार्थी हो सकती हैं, लेकिन अगर विवाह करना हो तो आपके हिसाब से मिथुन राशि और उसके बाद सिंह राशि और उसके बाद मकर राशि या लग्न की जातिकाएं ठीक रहेंगी। विवाह के लिए उत्तर पूर्व की दिशा बहुत अच्छी रहेगी, धन कमाने के लिए दक्षिण पूर्व की दिशा बहुत अच्छी रहेगी, धन कमाने के लिए दक्षिण और पूर्व की दिशा सबसे अच्छी है। अंक सदैव से 5 अच्छा रहेगा। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करूं तो आपकी कुंडली में कृतिका, अश्विनी, मृगशीरा, स्वाति, विशाखा, भरणी और उत्तरा भाद्रपद अनुराधा, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे हैं। आपकी कुंडली शेयर बाजार से भी धन अच्छा कमा सकती है। अगला प्रश्न आपने पूछा है इन्होंने लिखा है, मैरिज लाइफ के बारे में बताएं, मेरी शादी करने का मन नहीं है। भगवान, ऐसा करना भी नहीं, दोष होता है। विवाह अवश्य करना चाहिए और वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, बिना जैसे गृहस्थ, उसके बाद सबसे पहले ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। वक्त के हिसाब से ये चारों वर्ण और उसके आश्रम हमें अवश्य ही पालन करने चाहिए। विवाह नहीं करने से दोष होता है, विवाह करना चाहिए। विवाह करके संतति अवश्य पैदा करें, तभी तो सन्यासी पैदा होगा। एक से अधिक संतति पैदा करने का योग रखना चाहिए, कम से कम 5 पुत्र योग प्रत्येक सनातनी को अवश्य पैदा करना चाहिए। 5 पुत्र और 1 कन्या, 5 पुत्र 1 कन्या, या किसी भी तरीके से 1 पुत्र और 1 पुत्री, 2 पुत्र और 1 पुत्री, 2 पुत्री और 1 पुत्र, ये अवश्य होना चाहिए। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे समाज में सन्यासियों की कमी होगी, क्योंकि सारे लोग, आजकल सन्यासी कौन बनता है, दुनिया से जब उसको विरक्ति होती है तब सन्यासी बनता है, या डिप्रेस होकर के सन्यासी बनता है, या कई बार उसका जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब वो सन्यास धर्म का पालन करता है, पर वस्तुतः सन्यास्त होने का अलग विधान है। आजकल लोग क्या करते हैं, जीवन भर अपने बच्चों की सेवा करेंगे, जीवन भर अपने बच्चों के लालन पालन में अपना सब कुछ देंगे, और जब देह हाथ नहीं चले तो जाकर के सन्यासी बनते हैं, किसी गुरु की दीक्षा ले लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं सन्यास धर्म का पालन करूंगा। तो ये स्वार्थ से युक्त है। भगवान भी कहेंगे कि जीवन भर जो है वो भगवान मेरी सेवा किया नहीं, बच्चों की सेवा करता रहा, अब मुझसे ही सेवा कराने आया है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, विवाह आवश्यक है। ये चीज जो आप लोग सोचते हैं ना, नए वर्ग वाले, कि विवाह नहीं करूंगा, आराम से घूमूंगा, गाड़ी ले लूँगा, घोड़ा ले लूँगा, बढ़िया घर रहेगा, बढ़िया बंगला रहेगा, अकेले नौकरानी रहेगी, सब कुछ होगा, ये सबसे गलत और सबसे नीच बुद्धि की निशानी है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा की सृष्टि में जिस व्यक्ति ने योगदान नहीं दिया और जिसने अपना वंश कर्म आगे नहीं बढ़ाया, उसको दोष लगता है। मुझे सब कुछ बताएं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आपकी कुंडली में। एकादशवां भाव जन्म कुंडली में तुला के बैठे हैं, व्यापार के माध्यम से व्यक्ति समाज को देगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा, या नौकरी के बाद अगर व्यापार भी करना चाहे तो निश्चित रूप से कर सकता है। और जन्म कुंडली में राहु वृश्चिक के बैठे हैं, जिसके अधिपति 12वें से बैठ करके इस भाव को देख रहे हैं, पत्नी भ्रम में रहने वाली न हो, कलुषित विचारधारा से युक्त न हो, कुंडली मिलाकर के विवाह करें। आप मंगलिक हैं पर आपकी कुंडली में 12वें भाव में मंगल और गुरु की दृष्टि, सप्तमेश पे गुरु की दृष्टि, पत्नी के साथ मतभेद नहीं होता, किसी भी स्थिति में व्यक्ति पत्नी का संपूर्ण सुख भोगता है। ये आपकी कुंडली है। अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा है, इस वजह से भी मानसिक विकलता है। दवाई छोड़ दीजिए, अगर हो सके तो अपने आप को योग और प्राणायाम की तरफ लेके जाइए। दुनिया के किसी भी दवाई का, किसी भी बीमारी का इलाज दवाई तो है, पर उसके अतिरिक्त ग्रंथों का अध्ययन है, मंत्रों का जप है। ओम आदित्याय नमः का जप करिए। जो व्यक्ति आदित्याय नमः का जप करता है वो कभी दरिद्र नहीं होता, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक रूप से हो।
ये काम आवश्यक होगा। 0 डिग्री के राहु है, इस वजह से भी आपको कमजोर कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या ठीक करिए और किसी भी स्थिति में अपने पराक्रम को बल देने के लिए बजरंगबली के मंदिर के धोने का काम शुरू करिए। बजरंगबली को लाल पुष्प की माला मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा के पाठ के साथ अर्पित करें और सरसों तेल का दीपक अपने घर में शाम को अवश्य जलाएं, या अगर हो सके तो घी का दीपक भी अवश्य जलाया करिए। कभी भी सरसों का तेल या घी का तेल या घी का तेल या तिल का तेल एक साथ नहीं जलाना चाहिए, अलग अलग जलाना चाहिए। यह नहीं कि घी खत्म हो गया तो उसी में सरसों का तेल डाल दिया, यह नहीं कि तिल का तेल खत्म हो गया तो उसी में घी डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। ये चीजें हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये कुंडली पत्नी से और ससुराल से बहुत अच्छा सुख भोगेगी, पर इस कुंडली में पत्नी कारोबार करने वाली भी आ सकती हैं। इस कुंडली में आपकी पत्नी आपके कारोबार को सपोर्ट करने वाली हो सकती हैं, उनका सुख और उनका संता उनसे संतति की प्राप्ति भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। इस कुंडली का धन बहुत अच्छा है। नवमांश कुंडली में ग्रहण है, इस वजह से कुंडली मिला करके नहीं करेंगे तो यहां राहु केतु के कारण घर में कलह होगा। पंचम भाव में शुक्र और शनि नवम भाव में, कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा। कुंडली मिला करके हो तो तत्वों का मेल अच्छा होता है और फिर विवाह बहुत अच्छा चलता है। यहां सूर्य और गुरु आपको ससुराल से अच्छे संबंधों में लेके जाएंगे, ससुराल से कोई दिक्कत नहीं है, ससुर के साथ प्रेम रहेगा और सास का भी सुख आपकी कुंडली में मैं ठीक देख रहा हूं। आपके प्रभाव से सास आपसे प्रभावित ज्यादा होंगी। और एक बात बता दूं, लग्न में सूर्य बुध आपको धनवान और बुद्धिमान बनाएंगे। इतनी सारी चीजें, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।